बाहें जिना दी पकड़िए सीधी जे बाहें ना छोड़िए। मेरे पिता तन तन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जेड़े कश्मीरी पंडितां दी बाह फड़ी वो आखिरी दम तक नहीं छड़ी। सीस उन्हां दा कलम कर दिता गया, सीस ते ताड़ दोनों गुरुद्वारा सीसगंज साहब दे बार उत्थे पिया रहा। सवेर तो शाम हो गई, कोई नेड़े नहीं आंदा सीगा, किसी दी जरूरत नहीं पैंदी सी कि महाराज दे सीस या ताड़ दा संस्कार कर सके। इन्नी दहशत सीगी उस वक्त, ते उसी वक्त एक ऐसी घटना वापरी जिदे विच भाई जैता जी महाराज दा सीस लै छुपदे छुपांदे आनंदपुर साहब वल चाले पा गए, ते भाई लखी शाह वंजारा जी महाराज दा तड़ लैके इस स्थान दे उत्ते पुजदे ने। आओ चलिए अंदर मत्था टेकिए, उपरांत आप जी नाल इतिहास साझा करांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी, राख ले हो, राख ले हो, राख ले हो भगवान, जाके सिमरन दुर्मत नास है। पावे पद निर्वाणा रे मन ओट ले हो हर नाम रे मन भाई लखी शाह वंजारा जी ने तन तन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के सिखा ते नाल अपने पुत्र नगीए नाल चांदनी चौक विचों गुरु साहब के धर की बेअदबी होने तो बचाया। ए जग जाहिर है जिस वक्त तन तन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने शहीद किया गया, यानी कि उन्हों का धड़ सीस नाल जुदा किया गया, तो उस वक्त आखते ने कि एक बड़े जोर की अनेरी आई। कुछ लोगों का यह कहना हैगा कि वह अनेरी भाई लखी शाह वंजारा दे 500 गड्डियां दे द्वारा आई। वो 500 गड्ढे जिहड़े कि वो औरंगजेब दे दरबार विच सूत सप्लाई करन तो बाद वापस जा रहे सी अपने घर रकाबगंज। रकाबगंज एक छोटा जिहा पिंड हुंदा सी उस वक्त इत्थे, जिहड़ा कि रायसीना दी पहाड़ियां ते हुंदा सी। ते उन्हां ने उस मौके दा फायदा चुकिया, ते वो गड्डियां दे विच चुपके नाल महाराज दे धड़ नूं साम लिया, ते लै के बड़ी हिफाजत दे नाल ओ इस स्थान दे उते पुजदे ने जिथे असी इस वक्त खलोते हैगे आ, यानी कि रकाबगंज। औरंगजेब दा खौफ इन्ना ज़्यादा सी, लोग इतने डरे हुए सी कि सवेर तो लैके शाम तक महाराज दा धड़ ते सीस उस स्थान ते पिया रहा, ते किसी दी जुर्रत नहीं हुई उस सीस नूं या धड़ नूं उत्थों हटा के ले जाण दी। भाई लखी शाह वंजारा जी ने एक बहुत वड्डा जोखिम मोल लै उन्हां दे धड़ नूं और लै के अपने घर पुछते ने। खुले आम देह का संस्कार नहीं किया जा सकता सीगा, इस करके उन्होंने अपने घर के विचों विच महाराज के शरीर नू सुशोभित किया, ते उथे ही उन्हों का अंतिम संस्कार किया, ते अपने घर नू अग लगा दी।
पूरा घर तू तू करके जलन लग गया। तो सवेरे जिस वक्त उन्होंने महाराज दियाँ अस्थियां उत्थे एकत्र कीतियां, तो इतिहासकारां दा कहना हैगा कि वो अस्थियां उन्होंने जिहड़ा अंगीठे का स्थान सी उहदे थले ही दबा दित्तियां। तो कुछ इतिहासकार यह भी लिखते हैं कि उस वक्त उन्होंने एक मोहर भी दबी सी जिहड़ी कि अज इस गुरद्वारा साहब के पौरा साहब के विच देखण नूं मिलदी है। हुण वो कितना प्रमाणिक है कि यह मोहर वही है कि नहीं, यह शोध का विषय है। लेकिन एक मोहर सोने की गुरद्वारा श्री रकाबगंज साहब के जिथे प्रकाश होया है उहदे थले पौरा साहब के विच सुशोभित है, जिहदे आप जी ने अज दर्शन भी किए। मद माया के अंग प्राणी राम न चेतई, मद माया के अंग। आज दे एपिसोड विच आप जी ने दर्शन किए धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे उस इतिहासिक स्थान दे जिथे उन्हां दी देह दा संस्कार किया गया। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे शरीर दे अंतिम संस्कार होण तो बाद भाई लखी शाह वंजारा जी दे पुत्र ते ओ आप जांदे ने गोबिंद राय जी नूं मिलण वास्ते आनंदपुर साहब। वो इतिहास भी आप जी नूं अगे श्रवण करावांगे। ते इत्थों दूजे पासे भाई जेता जी महाराज का सीस लैके वह भी आनंदपुर साहब रवाना हो जाते हैं।